साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो हम यहाँ भी देखेंगे जो वर्ड मीनिंग है उसको आपके साथ अध्ययन करेंगे। पहला है फ्लिप। फ्लिप मतलब क्या होता है? बूस्ट करना किसी को। क्या करना? फ्लिप मतलब बूस्ट करना किसी को। किसी को हम बूस्ट करते हैं उसके लिए फ्लिप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना? प्रोत्साहित करते हैं किसी को। उसके लिए हम फ्लिप का इस्तेमाल करें, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को एनकरेज करना, किसी को क्या करना, इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब ही क्या होता है? किसी को बूस्ट करना, मतलब आप उसको क्या करें, एक तरह से इंटरनली तौर पर, इमोशनली तौर पर, इंटरनली तौर पर उसको क्या करें, बूस्ट कर रहे हैं। मतलब जब आदमी डिमोटिवेट होता है तो उसको इंटरनल तौर पर क्या करता है, बूस्ट किया जाता है ताकि वो अपने बढ़ सके। गैम्बल। गैम्बल मतलब होता है फ्रॉल। फ्रॉलिक मतलब ऊर्जा से उछल कूद करना। ऊर्जा से क्या करना, उछल कूद करना। ग्रैम्बल उसको बोलते हैं। ग्रैम्बल मतलब कॉबर्ट। कॉबर्ट मतलब ही क्या होता है, ऊर्जा से उछल कूद करना। और क्या है, रॉम और कैपर। देखिए इसका एंटोनियम नहीं बताया था। डिस्करेज मतलब क्या होता है, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना, डिस्करेज करना किसी को। और इसका एंटोनियम क्या होगा, ट्रर्ज। इसका क्या था, उछल कूद करना। तो ये ट्रर्ज मतलब उछल कूद नहीं कर रहा। टॉर्पिड मतलब क्या होता है, थका हुआ। तो थकान के भी सेंस में जा सकता है। उछल कूद कौन करेगा, जिसमें एनर्जी होगा। एनर्जी होगा वही ना उछल कूद करेगा। तो ये समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉलिक मतलब गैम्बोट बोले, कैबोट ऊपर वाला ही बर्ड है। फ्रॉलिक मतलब यही है, यहाँ पर दिया गैम्बोल है, इसका बर्ड मीनिंग लेकर यहाँ पर आया। इसका मतलब ये होता है कवर्ट करना, उछल कूद करना। गैम्बोल कवर्ट एंटोनियम, होगा ड्रजरी। ड्रजरी ठीक है, याद रखिएगा। ड्रैब मतलब होता है डल, जो नीरस। इंसिपिड। इंसिपिड मतलब तो होता है बेस्वाद, लेकिन यहाँ जो नीरस है जिसमें बोरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कलरलेस है, ड्रेरी है, डल है। एंटोनियम की बात करें तो ब्राइट ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग है जो चमकता है, वो ऑब्जॉर्बिंग है। ठीक ये समझ गए होंगे। अगला है रिट्रीब्यूशन, है, मतलब वो किसी से रिवेंज करना, बदला लेना। प्रतिशोध करना। विंगेंस, रिवेंज, रिटेलिएशन, रिप्रेसल मतलब किसी से क्या कर रहे हैं, बदला रहे हैं, किसी से बदला रहे हैं, प्रतिशोध ले रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिट्रीब्यूशन। विंगेंस, रिवेंज, रिटेलिएशन, रिप्रेसल। अगला एंटोनिम की बात करें, क्लेमेंसी। फॉरगिवनेस मतलब किसी को माफ़ करना। फॉरगेट्स फॉरगिव से बना हुआ। फॉरगिव मतलब क्या होता है, माफ़ करना, माफ़ करना। मर्सी मतलब क्या होता है, दया, किसी पर दिखाना, दया दिखाना। लेनिनेस मतलब दयालु। लस्ट्रॉल मतलब चहल कदमी करना। क्या करना, चहल कदमी। करना, वॉक करना। रैम्बल, और रैम्बल हुआ। रैम्बल मतलब क्या होता है, चहल कदमी करना किसी को। चहल कदमी जो करते हैं उसके लिए रैम्बल का इस्तेमाल करते हैं, और रैम्बल हो गया। एंटोनियम की बात करें तो रन हुआ, स्कैरी हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम, रन ये बोला में थे। जर्मन। जर्मन मतलब होता है संबंधित, से संबंधित, रिलेटेड टू, रिलेटेड टू समथिंग, रिलेटेड टू समथिंग। उसको क्या बोलते हैं, जर्मन। ठीक है, ये बात समझे होंगे। जर्मन मतलब होता है रिलेटेड टू। अगला वेंडेटा। वेंडेटा मतलब फ्यूड करना, क्वारल करना। पुश्तैनी झगड़ा, जो मतलब पूर्व से चला आ रहा है। पूर्व मतलब जो दादा परदादा, ये समय से जो चलता आ रहा है क्वारल,
फ्यूड होता है उसको बोलते हैं जर्मन, मतलब क्या होता है रिलेटेड टू एंटोनिम, इरेलीवेंट असंगत होना, इरेलीवेंट मतलब जिसे बोलते हैं बेतुका है, मतलब उसका कोई तर्क नहीं है जिसे बोलते हैं, उसका मतलब कोई कोई मतलब कि सेंस नहीं बनता, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझ गया मैं। एंटोनियम का पीस, हारमोनी, हारमोनी पीस मतलब क्या होता है शांत शांत स्वभाव का, जो क्या हो शांत स्वभाव का हो। जो शांत हो जिसमें किसी तरह का कोई क्वारल नहीं हो। आगे देखते हैं अगला, इफेमिनेट बुमने मतलब जो क्या करता है स्त्रियों से क्या करता हो लगाव करता हो, प्रेम मतलब लगाव में प्रेम करता हो लगाव रहता हो। फेमिनी हो गए फीमेल वुमनेस स्त्रियन, मैनली मस्कुलिन, मस्कुलिन मतलब होता है मनो मानव थी मेल मेल पुरुष। ठीक है अगला, एफेमेसी, एफेमेसी मतलब अनमैनलेस वुमनेस नारी जैसा, कैसा हो तो नारी जैसा वुमनिस हो। कैरेक्टर कैसा हो एफेमेसी मतलब वुमन जैसा हो। एंटोनियम वाले मैनिलेस, मैनिलेस मतलब क्या होता है पुरुष, पुरुष का स्वभाव हो। अल्टीरियल, अल्टीरियल मतलब कंसील्ड हिडन गुप्त करना, सीक्रेट, सीक्रेट मतलब क्या होता है छिपाना छिपाना। ठीक है कंसील्ड, व्हाट मतलब क्या होना मतलब कि किसी तरह का खुला रखना मतलब छिपाना नहीं हो, छिपाते नहीं उसको बोलते हैं। व्हाट अगला, बेसफुल, बेसफुल मतलब क्या होता है साइज संकोची करना, मतलब हेसिटेट है कोई चीज़ के लिए साई कोई। सेमलेस, सेमलेस सेम बना, सेम मतलब शर्म होता है, सेमलेस है लेस मतलब सेम मतलब शर्म होता है, लेस मतलब क्या होता है कम, मतलब अपने शर्म नाम की चीज़ नहीं है कम है। तो बोल्ड मतलब होता है सब फ्रैंकली है, ओपनली है मतलब किसी तरह का कोई मतलब फ्रैंक व्यक्ति है। सिमेट्री मतलब ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान जहाँ पर क्या होता है मृत स्थान, मतलब कि जो कब्रिस्तान ऐसे मुस्लिम लोगों का होता है कब्रिस्तान जहाँ पर मृतकों को दफनाया जाता है, ग्रेवयार्ड टॉम हो गया। अला चेवेलिस मतलब बहादुरी, कॉटुअस ब्रेव बहादुरी, जैसे शिवाजी के यहाँ फोटो दिया मतलब ये क्या था एक बहादुर व्यक्ति थे। गैलेंट मतलब होता है बहादुर, नोबल पोलाइट, पोलाइट लोग मतलब होता है सब बोलते हैं सेंस वाइज जा सकता है। नोबल होता है नोबल पर्सन, जैसे पूर्व में नोबल लोग भी व्यक्ति थे, शूद्र मतलब कि सब व्यक्ति बोल सकते हैं सब। जो रिलीज मतलब होता है टेस्ट, एंजॉय मज़ा लेना, मज़ा स्वादिष्ट बोलते हैं टेस्टी, एंजॉय तो मतलब होता है खुशी होता है, तो खुशी कब ले जाएगा जब टेस्टी रहेगा मज़ा रहेगा। टेस्टी ऐसे फूड को हो जाता है, फूड भोजन करते हैं तो अपना टेस्ट लेते हैं टेस्ट एंजॉय। एंटोनियो वो डिस्प्ले, एडवेंट मतलब तो अराइवल, आगमन कहीं पर जब आप आगमन करते हैं उसके लिए एडवेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने बड़ में। और यदि डिपार्चर मतलब क्या होगा प्रस्थान करते हैं, जैसे ट्रेन पर जाते होंगे तो लिखा होगा एडवेंट अराइवल लिखता होगा, जैसे डिपार्चर एक्सिट हुआ आप एग्जिट कर रहे हैं। लैमेंट मतलब बिलाप करना, दुख रोना, यदि रोना के भी सेंस में रोना दुखी होना तो मौन होगा। एंटोनियम सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन से बना हुआ, सेलिब्रेशन मतलब रिजोई कर सकते हैं खुशी कर सकते हैं। रिजोइस, लॉर्ड, लॉर्ड मतलब क्या होता है प्रेस करना, प्रेस प्रेस मतलब क्या होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, तारीफ का फूल तारीफ करना, ये हो गया। ठीक है अगला, इराडिकेट, इरिगेट, इराडिकेट मतलब होता है अपरूट, अपरूट मतलब क्या होना एलिमेंट का जड़ से मिला रहे, इराडिकेशन, इराडिकेशन डिलीट करना, मतलब आप उसको क्या करना चाहते हैं जो चली आ रही परंपरा, जो चली आ रही विडम्बना, मतलब कोई चीज़ में या डिसीज का नाम लीजिए या कल्चर का नाम लीजिए, जो चले आ रहा है प्राचीन जो हमारे रीति रिवाज है मतलब जैसे बोलते हैं ना अंधविश्वास, उसको भी इरेडिकेट कर सकते हैं करना, इलेमिनेट डिलीट करना, डिस्टोर रिमूव, रिमूव कहाँ करते हैं जैसे मोबाइल में रिमूव किया जाता है मतलब हटा देना, टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेट मतलब कि हमेशा के लिए क्या करना बर्खास्त कर देना। एंटोनियम प्रिजर्व, इस्टेब्लिश, एड, कंस्ट्रक्ट, एक होता है ना मतलब कि जॉब में कोई व्यक्ति टर्मिनेट होता है, एक होता है थोड़े समय के लिए क्या होता है इसको हटा दिया जाता है, बढ़ने आ रहा है, टर्मिनेट मतलब होता है हमेशा के लिए हटा देना। सिगरेट मतलब होता है सेपरेट करना, आइसोलेट मतलब क्या करना पृथक करण करना, सेपरेशन करना।
सेपरेशन मतलब क्या करना, पृथक्करण करना, आइसोलेट करना। एंटोनियम होगा यूनाइट, यूनाइट मतलब एक करना। फर्वर मतलब जोश होता है, एंथुसियास्म मतलब जोश, ऑर्डर मतलब क्या होता है, जोश होता है। और डिस्पैशनेट मतलब जोश नहीं है, मतलब कि जोश जोशहीन मतलब कह सकते हैं निरुत्साहित हो, निरुत्साहित हो, जिसमें क्या किसी तरह का उत्साह नहीं है। फर्वेंट मतलब तो एंथुसियास्म उत्साह बोल ही दिए। जेलस, जेलस मतलब देखिए बड़ लग रहा है जेलस, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, उत्साह, सा उत्साह। आर्डेंट मतलब क्या होता है, उत्साह, उत्साहित। एर्नेस्ट, एंथुसियास्टिक। एंटोनियम होगा इंडिफरेंस, उदासीनता, जिसमें उत्साह नाम की कोई चीज़ नहीं हो। उदासीनता हाँ और क्या डिस्पैच। पैशनेट है। अलग कॉन्वलेंस, कॉन्वलेंस रिकवर मतलब कि जब आप बीमार पड़े उसके बाद जो आपका स्वास्थ्य ठीक होता है उसे बोलते हैं क्या कि कॉन्वलेंस, रिकवर करना, रिक्यूपरेट करना। बीकन, बीकन मतलब क्या होता है, कमज़ोर होना। अलग कॉन्वलेंस जैसे स्वास्थ्य खराब होने के बाद दोबारा जब ठीक होते हैं उसी के टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉन्वलेंस, उसी के लिए रिकवर। एंटोनियम होगा सिकनेस। रिक्लाइन, रिक्लाइन मतलब होता है विश्राम करना, जैसे आप जैसे यहाँ पर फिगर में भी याद कर सकते हैं, रिक्लाइन मतलब लाइन लगा हुआ है, क्या कर रहा है, जाकर आगे विश्राम करेगा, विश्राम करना होगा। और ऑफिसियस मतलब होता है दखल देना, तो मतलब दो के बीच में बातचीत हो रहा है उसमें दखल दे रहा है, ये दोनों के बीच में बातचीत हो रहा था, ये क्या कर रहा, तीसरा व्यक्ति दखल दे रहा है, ऑफिसियस कर रहा। मिडलसम कर रहा, दो मिडल, मिडल सम, इंटर फेयरिंग, फेयरिंग इंटर, इंटर बाद फेयरिंग, हुआ मिडल कीजिएगा दो के बीच का बनी हुआ टिमेटिमेट मतलब कायर, डरपोक। रोटेन मतलब सड़ा हुआ, स्टिंग जिससे बदबू निकलता है, पिट्रिड सड़ जाता था जिससे क्या होता है, बदबू निकलता है, स्टिंकिंग बोल सकते हैं पिट्रिड। एंटोनियम फ्रेश, जो ताज़ा हो, जिसमें किसी तरह का कोई डैम खराबी ना हो। रोट मतलब डिके, जैसे डिके होना, डिके ऑफ सब्सटेंस, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, मतलब कि सब्सटेंसों का डिके होना मतलब सड़ना, उससे जैसे फंगी क्या करता है, कोई सब्सटेंस है अपने घर में देखेगा रोटी रहेगा उसको क्या कर रहा है, डिके करना शुरू कर देगा छोटे छोटे, उसको फिर मिट्टी में मिला देता है, डिके का डेकम्पोज। यदि लैंड में देखिएगा कोई खेत उत में तब देख सकते हैं। वेरासिटी मतलब ट्रूथ, सच्चाई है। एंटोनियम को डिसीट, किसी को धोखा देना, धोखा देना, चीट करना, धोखा बोल सकते हैं, चीट करते हैं किसी को, उसको बोलते हैं डिसीट। वेरिटी मतलब होता है ट्रूथ, रियलिटी। ट्रूथ होना यानी वास्तविक होना, क्या होना, वास्तविक होना, रियलिटी है आप वास्तव में, वास्तविक। एंटोनियम की बात करो तो रियलिटी है, देखिए साइनोनियम के ट्रूथ हुआ रियलिटी, रियलिटी नहीं है, फॉल्सहुड है मतलब जो गलती है, गलत है। मतलब वर्सिमिलिट्यूड मतलब ऑथेंटिटी, ऑथेंटिक मतलब प्रमाण, ऑथेंट जिसे बोलते हैं ना ऑथेंटिक कर, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जैसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आपका जो फिंगरप्रिंट लेगा वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब प्रमाणित करता है, जो होटल अथी जो आधार कार्ड बनाते हैं, ऑथेंटिक ऑथेंटिसिटी रिलीजमेंट। एंटोनियम होगा फॉल्सनेस। और डांस, डांस मतलब होता है सिमिल्टन फूल मूर्ख, जो मूर्ख हो। डांस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जो मूर्ख होता है, सिमिल्टन फूल, इडियट। इडियट देखिए पहले हम सोचते थे इडियट मतलब क्या होता है, अच्छे व्यक्ति के लिए, मतलब जो इडियट पर्सन है। इडियट मूवी आया था ना, लगता है कि मतलब पॉजिटिव सेंस का बात, लेकिन निगेटिव है। ब्लॉक हेड है। एंटोनियम होगा जीनियस, जीनियस मतलब क्या होना, मतलब आप तेज हैं, जीनियस हैं। जीनियस पर्सनालिटी कौन होता है, जीनियस बोलते हैं, ठीक ना, ये याद रखिएगा। अगला एनालॉगी, एनालॉगी मतलब पैरेलल, दो लोग लाइन के बीच में, जैसे दो पढ़े होंगे 11 में, दो लाइन पैरेलल मतलब दोनों कभी इंटरसेक्स नहीं कर सकता, दोनों के बीच में दो पैरेलल ट्रैक, रेलवे का जो ट्रैक होता है पैरेलल होता है, कभी इंटरसेक्शन नहीं करता, इंटरसेक्शन होगा दो के बीच में करता है। तो एनालॉग मतलब क्या होता है, पैरेलल। मैच, एंटोनियम होगा डिफरेंस। मैच मतलब को ना एक रूप, एक समान होना, एक समान। अलायस, सुपर अबंडेंस मतलब प्रचुरता, सुपर अबंडेंस मतलब तो प्रचुरता हो गया, सुपर है तो और ज़्यादा है। प्रोफ्यूजन प्लेथोरा एक्सेस, डर दर्द मतलब लैक, कमी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कमी। स्कैरिसिटी
स्कर्सिटी भी डिफिशियंट कमी कहाँ लिखे हैं? देखिए बर्ड सेंस बाई चांस सकता स्टूपर मतलब होता है अनकॉन्शियस जागरूकता की कमी, जिसमें क्या लैक ऑफ नॉलेज जागरूकता लैक ऑफ अवेयरनेस अवेयरनेस। जागरूकता के अनकॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस माइंड के लिए अनकॉन्शियसनेस माइंड होता है ना, जिसमें आप चेतना के मन इसमें आप सोच नहीं सकते। स्लम्बर एंटोनिम ऑफ कॉन्शियस अलर्टनेस। अलर्टनेस मतलब बहुत अलर्ट है। इंग्लिश में हिंट क्लू संकेत हिंट हुआ, क्लू हुआ, संकेत हुआ। आप किसी को सॉल्व करने के लिए हिंट दिया जाता है, मतलब आप उसको आप उस समस्या को समाधान के लिए आपको हिंट दिया जाता है, तो आप कर सकते हैं काम को। हिंट क्लू एंटोनियम होगा सर्टेनिटी फैक्ट एंटोनियम। निश्चितता जो फैक्ट वास्तविक हो वास्तविक मायोपिक मतलब शॉर्ट साइट, एक माइपी होगा, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया माइपिक मतलब नजदीक शॉर्ट से निकट दृष्टिकोण, नजदीक ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगे, दूर ऑब्जेक्ट दिखाई ना फार, और हाइपरमेट्रो में दूर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है लेकिन नजदीक ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, तो शॉर्ट साइटनेस हो गया। नजदीक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है लेकिन दूर ऑब्जेक्ट नहीं। फार साइटनेस एंटोनियम फोर साइटेड मतलब विटुपरिटी, मतलब कि सेंसर करना, निंदा करना किसी को, कंडेम करना, निंदा करना। मलेशियस मतलब तो दुष्ट, बुरा। लॉलेट्री मतलब प्रशंसा। करना किसी को लॉर्ड करना एडमायर करना ये सारी कागज नंबर टू प्लेस मतलब बिटर, बट्टू प्रेस मतलब क्रिटिज्म कैसा, तो बिटर क्रिटिज्म। क्रिटिज्म मतलब क्या होता है, निंदा करना। मलेशियस मतलब दुष्ट, लॉडेट्री प्रशंसा होना, एडमायरिंग होगा, और क्या होगा, एडमायरिंग होगा, प्रेज हो जाएगा, प्रशंसा करना। ठीक है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में जो अच्छे खाना खाने का जानकार हो, अच्छे खान पान का जानकार हो, मतलब अच्छे खान पान का क्या करता है, जानकार रखता है, उसको बोलते हैं गेस्ट्रोनोम। गेस्ट्रोनोम विलियन मतलब उत्तेजना, स्विंग एक्साइटमेंट, उत्तेजना दिखाना, उत्तेजित दिखाना। स्विंग एक्साइटमेंट एंटोनियम स्पिरिटलेस मतलब निरुत्साहित। चिमेरिकल में इमेजिनरी अनरियल मैथिक जो कल्पना हो, कल्पनायुक्त हो, जो हकीकत नहीं हो, अनरियल मैथिक। एंटोनियम रियल, रियलिस्टिक जो क्या वास्तविक हो, उसको बोलते हैं। स्पर्न मतलब डिसरिगार्ड, रिजेक्ट करना, ठुकराना किसी को, डिस जैसे फिगर में देखिए, डिसरिगार्ड करना, स्पर्न करना, रिजेक्ट करना, स्कॉर्न करना। एंटोनियम होगा एक्सेप्ट। अलाइट मतलब डिसेंबर, किसी बांध से नीचे उतरना। अलाइट फ्रॉम द, अलाइट फ्रॉम द किसी बस से, किसी बांध से नीचे उतरने के लिए हम लोग क्या का इस्तेमाल करते हैं, लाइट। एम्बार क्रैफ्टी मतलब कन्निंग, धूर्त, चालाक, कन्निंग, श्रीउड। ठीक है, कन्निंग एंटोनियम का नहीं, भोला वाला, ऑनेस्ट, कैंडिड। कैंडिड क्या होता है, फ्रैंक होता जो पेनली बात कर सकता है, वो पेनली बात करता है बिना छिपाए हुए स्ट्रेट डायरेक्ट टू एंटोनियम का साइड ट्रैक। सुपर प्लस मतलब रिडंडेंस और प्लस सुपर प्लस मतलब प्रचुर मात्रा में अबंडेंस भी बोल सकते हैं। अभी ऊपर पढ़े थे ना सुपर अबंडेंस मतलब और प्रचुर में, एक्स्ट्रा, रिडंडेंट, सरप्लस। एंटोनियम का एसेंशियल, नेसेसरी क्या होगा, एंटोनियम एसेंशियल, नेसेसरी मतलब पर्स यू पर्स रीड करना। एंटोनियम नेगलेक्ट, ओवरलुक, नेगलेक्ट करना, ओवरलुक करना, किसी को नेगलेक्ट करते हैं, ओवरलुक करते हैं, ये दोनों सेंस वाइज मीनिंग सही है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। मतलब पर्सुअल मतलब केयरफुल स्टडी, कैसे गहन अध्ययन, गहन अध्ययन के लिए युद्ध कर, अध्ययन, स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन, अवलोकन करना, जैसे स्क्रूटनी किया जाता है, मतलब कि जैसे आप एग्जाम, बोर्ड एग्जाम दिए, आप आपका मार्क्स आ गया, अब नंबर से संतुष्ट नहीं, तो स्क्रूटनी कराया जाता है, मतलब कि गहन जांच किया जाए, तो उसमें आप नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। केयरफुल स्टडी, स्क्रूटनी, इंस्पेक्शन। एंटोनियम होगा इग्नोरेंस, नेगलेक्ट। जिटरी मतलब नर्वस, घबराया हुआ, घबराया हुआ, नर्वस, अनिनी से। एंटोनियम होगा ट्रैंगल, ट्रैंगल मतलब साथ होता काम, सूत, सूत, पैसिफाई, इसमें शांत के लिए। जिटर मतलब नर्वसनेस, घबराया हुआ। एंटोनियम होगा कामलेस। पैनिकी मतलब होता फ्राइटेंड, घबराया हुआ। पैनिकी में आज पैनिकी मतलब फ्राइटेंड, फियरफुल। एनेक्सेस मतलब चिंतित, चिंतित कौन होगा, जो घबराया हुआ, फियरफुल है, डरा हुआ, फ्रेड, डरा हुआ। एंटोनियम होगा काम, करेजियस, सूत,
रैबिस रैबिस एंथ्रॉल रैबिस जो एक रैबिस होता है टीवी मूवी पर, इंडी टीवी पर, तो क्या करता है मंत्रमुग्ध कर देता है, रैप्चर कर देता है, एंथ्रॉल करना, मंत्रमुग्ध करना, मुग्ध कर देना, मंत्रमुग्ध बोल सकते हैं, मंत्रमुग्ध उसके बानी में इतने लला ओज ओज में ललाट में, मतलब उसके बन बताने का तरीका में इतना थिरा थी कि हम लोग को ओज कर देते हैं। एंटोनियम रिपल्स करना, मेलेंग मतलब मिक्सचर ऑफ मेलेडी मेलेडी, एंटोनियम होगा सिंपल, एनोमिसिटी मतलब हॉस्पिटलिटी दुश्मनी, एनोमिसिटी मतलब हॉस्पिटल हॉस्पिटली अवर्सन, एंटोनियम बेनोवलेंस उदार व्यक्ति, उदार काइंडनेस मतलब दयालु, फ्रेंडनेस मतलब मित्रतापूर्ण, तो मित्रता कैसा होगा अच्छा होगा, एनोमिसिटी मतलब हॉस्टिलिटी, एंटागोनिज्म ANTA एंटागोनिज्म, एनिमिटी एनिमस एनिमस मतलब क्या होता है दुश्मनी, ठीक है तो कौन कौन सा होता है हॉस्टिलिटी एंटागोनिज्म एनिमिटी एनिमस। एंटोनियम की बात करें फ्रेंडशिप, अक्नॉलेज मतलब कन्फर्स करना, एडमिट करना, किसी को स्वीकार करना, क्या करना स्वीकार करना, कन्फर्स करना, कन्फर्स एंग्लो ने डिनाई इग्नोर मतलब अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, डिक्लाइन करना, ठीक है किसी को अस्वीकार करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज़ हो गया अगला, वो या वो मतलब अक्नॉलेज है बहुत, स्वीकार करना, वो ए बी ओ डब्ल्यू इसमें मतलब ये अक्नॉलेज करना, अक्नॉलेज मतलब क्या करना किसी चीज़ को स्वीकार करना, अवॉच करना मतलब स्वीकार करना, एंटोनिम डिसन रेप्यूडिए डिनाई रिनाउंस, रिनाउंस डिनाउंस मतलब तो एक तो निंदा होता है, अस्वीकार भी कर सकते हैं, डिनाई मतलब रिफ्यूज़ करना मना करना, रेप्यूडेट मतलब रिफ्यूज़ करना मना करना, डिसन मतलब क्या होता है रिफ्यूज करना, रेप्यूडिएट करना मना करना, रिनाउंस करना मतलब अस्वीकार करना, प्रोफेस मतलब एडमिट, तो डिनाई मतलब मना करना रिफ्यूज करना, और क्या बोल सकते हैं रिफ्यूज करना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अवर अवर मतलब सर डिक्लाइन, अवर मतलब असर्ट करना, डिक्लाइन डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करना, क्लेम करना, दावा करना, घोषणा करना, क्लेम करना, दावा करना, अवर्ट अवेयर असर्ट अब डिक्लेयर क्लेम, एंटोनिम डिनाई करना मना करना डिस्क्लेम करना, अवॉच मतलब होता है असर्ट, अफर्म डिक्लेयर अफर्म मजबूती के साथ दृढ़ निश्चय के साथ क्या करना अपना अपना पक्ष रखना, ये भी बोल सकते हैं अफर्म मतलब दृढ़ता पूर्वक, असर्ट हो गया अफर्म डिक्लेयर। एंटोनियम अगला कैंडिड, कैंडिड फ्रैंक ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पष्टवादी जो क्या होता है किसी तरह का छुपाता नहीं, फ्रैंकली है। एंटोनियम कनिंग मतलब धूर्त होता है, ड्यूबियस मतलब धूर्त चलाक, आर्टफुल मतलब धूर्त चलाक, धूर्त भी बोल सकते हैं चलाक भी बोलते हैं, मतलब फोर्थ राइट मतलब होता है ईमानदार स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट फ्रैंक, ऑनेस्ट फ्रैंक कैंडिड आउट स्पोकन ईमानदार हो, ऑनेस्ट आउट स्पोकन कैंडिड, इग्नियस क्या होता है साथियों इग्नियस जो आउट स्पोकन हो, जो एंटोनिम ट्रिकी चीट कनिंग कनिंग जो धूर्त और चलाक हो उसके लिए, आउट स्पोकन मतलब अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रैंक हो, फिर एंटोनिम होगा कनिंग सिक्रेटिव नॉट जो धूर्त हो चलाक हो, श्रीउड श्रीउड बोल सकते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेम नेम मतलब होता है फ्रैंक निष्कपट जिसमें किसी तरह का भोलापन भोलापन बोल सकते हैं, ने भोलापन, इग्नियस फ्रैंक इनोसेंट मतलब निर्दोष भोलापन, आर्टफुल मतलब कनिंग सोफिस्टिकेटेड धूर्त चलाक, बैटर मतलब बैस कूटा हुआ, बैस मतलब कूटा हुआ कूटा, प्रोटेक्ट मतलब संरक्षण संरक्षित करना किसी को प्रिजर्व करना, इन्फ्रीगमेंट मतलब कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन मतलब क्या होता है उल्लंघन करना, ब्रीच करना BRW नियम कानून के लिए ब्रीच करते हैं, ठीक है ये भी याद रखिएगा, ब्रीच मतलब क्या होता है उल्लंघन करना, इन्फ्रिंजमेंट करना,
तो कॉन्ट्रावेंशन, वॉयलेशन, ट्रांसग्रेशन मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, ब्रीच करना, BREACH होता है। ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी, सबमिसिव, मीक, ये सारे साइनोनिम हो गया। प्लमेट मतलब होता है फॉल, सीधे गिर जाना, प्लमेट मतलब क्या था, सीधे गिर जाना। फॉल ड्रॉप एंटोनिम होगा सॉर, राइस, राइस होता है धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे, सॉर भी वही होता है। गेनेसी मतलब डिनाई, मना करना, रिफ्यूज़ करना, मना करना। एंटोनिम होगा एग्री होना, सहमत होना। फ्रीलांस मतलब सेल्फ प्रोनाउन, जो स्वतंत्र रूप से अलग अलग संस्थाओं में काम करता है उसके लिए फ्रीलांस का इस्तेमाल कर। डिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर, निर्भर रहना किसी पर, आश्रित रहना, आश्रित रहना। डिविंड मतलब डिक्रीज, कम करना, कम करना, डिमिनिश करना। लेशन मतलब रिड्यूस करना, डिक्लाइन करना। एंटोनिम होगा ऑगमेंटेशन, बढ़ाना, इंक्रीज करना, एक्सटेंड करना। वेनरेट मतलब होता है रेस्पेक्ट करना किसी को, एस्टीम, आदर करना, सत्कार, आदर सत्कार करना। रिवर मतलब आदर, वर्शिप, पूजा, रेस्पेक्ट। एंटोनिम होगा डिस्पाइस, घृणा करना, डिसऑनर करना। वेनरेबल मतलब रिवार्ड मतलब आदर, एस्टीम, आदर सत्कार। डिसर्विंग आदर, हाई रेस्पेक्ट। एंटोनिम होगा डिस्पाइस, कंटेम्पिटेबल, डिस्पाइस, डिसरप्टेबल, डिसऑनर, रेस्पेक्टेबल, रिवार्ड, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड मतलब क्या होता है, आदर, आदर करना, रेस्पेक्ट करना। मतलब वेनरेशन मतलब ग्रेट रेस्पेक्ट, रेवरेंस, ग्रेट रेस्पेक्ट, रेवरेंस। एंटोनिम होगा डिसरेस्पेक्ट, डिसरिगार्ड। कंटेम्प्ट मतलब निंदा करना, घृणा करना। रेवर मतलब स्टीम, स्टीम मतलब सम्मान, रेस्पेक्ट, सम्मान, आदर। एंटोनिम होगा डिसऑनर, रेवरेंट मतलब रेस्पेक्टफुल, रेवरेंट, रेस्पेक्टफुल। एंटोनिम होगा इरेवरेंट, जिसमें सम्माननीय नहीं हो, डिसरेस्पेक्टफुल। रेवरेंस मतलब वेनरेशन, रेवरेंट, रेस्पेक्टफुल। वेनरेशन मतलब आदर करना, रेस्पेक्ट, एस्टीम। वेनेंटोनिम स्कोर मतलब निंदा करना किसी को, डिसरेस्पेक्ट करना, डिसऑनर करना। इरेवरेंट मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल, अनादर, अनादर, इरेवरेंट, अनादर। एंटोनिम होगा रेवरेंट, रेस्पेक्टफुल, आदर, सम्मान। इरेवरेंट मतलब डिसरेस्पेक्टफुल, अनादर, डिसरेस्पेक्ट, ब्लेसफेमी, निंदा करना। इस बार ये निंदा के लिए ब्लेसफेमी में याद करते हैं। एंटोनियम मतलब रेस्पेक्ट। रिटेलिएट मतलब अवेंज लेना, रिवेंज, हिट बॉक। अवेंज मतलब क्या होता है, बदला लेना। रिवेंज मतलब ये बदला लेना, हिट बैक। एंटोनियम होगा पार्डन, पार्डन मतलब क्या होता है, माफ़ करना, क्षमा करना। रिटेलिएशन में रिवेंज, अवेंजमेंट, अवेंज मतलब क्या होता है, बदला लेना। रिप्रिसल, REPRISAL, रिप्रिसल मतलब ये बदला लेना। रिवेंज, अवेंजमेंट, रिप्रिसल। एंटोनियम होगा रिकंसिलेशन, पार्डन, पार्डन, माफ़ी। पार्डन मतलब क्या होता है, माफ़ी, फॉरगिवनेस मतलब माफ़ करना। रिकंसिलेशन रिटेलिएटरी, रिटेलिएट मतलब होता है रेप्रिसल, रिटेलिएट मतलब रेप्रिसल, रिवेंज, रिट्रीब्यूशन। रेप्रिसल मतलब क्या होता है, बदला लेना। रिवेंज मतलब बदला, रिट्रीब्यूशन बदला। प्लेबैक मतलब बदला, रेप्रिसल, रिक्यूटल, रिवेंज, रिट्रीब्यूशन। एंटोनिम होगा फॉरगिवनेस, पार्डन। सिन मतलब बाय, समझदार, रैशनल, जो तार्किक हो, सेंसिबल, जुडिशियस, प्रूडेंट, विवेकी। एंटोनिम इनसेन, पागल, लुनाटिक, पागल, क्रेजी, मैड, बैटी, इनसेन।
इंसेंट मतलब मैड, पागल, लुनाटिक, डिमेंटेड, सेन मतलब समझदार, सेंसिबल, सेनिटी मतलब विजडम, सेंस इंटेलिजेंस, विजडम सेंस इंटेलिजेंस, एंटोनियम मैडनेस, इंसेनिटी मतलब मैडनेस, लुनासी मैनिया, पागल लुनासी पागलपन, मैडनेस लुनासी मैन, एंटोनियम सैनिटी सेंसिनेस, सेंसी समझदार, लुनाटिक मैड, इंसेन इंसेन मैड, इंसेन मतलब पागल, सेन मतलब समझदार, क्लेवर, लुनासी मतलब इंसैनिटी, मैडनेस इंसेन, मैनिया मैडनेस, एंटोनियम का सैनिटी समझदार, प्रूडेंस विवेकी। आगे देखते हैं, बैटी मतलब इंसेन, मैनिया, मैडनेस, लुनाटिक, इंसेन, एंटोनियम होगा सेन समझदार, विवेकी, प्रूडेंट, जी आर आई पी, ग्रीप मतलब क्या होता है, ग्रीव, ग्रीप मतलब ग्रीव, कष्ट, दुख, पीड़ा, एंटोनियम प्रेस प्रशंसा करना, कंप्लीमेंट प्रशंसा करना, सूत बीन मतलब ग्रीप, ग्रीप मतलब कष्ट, ग्रीप जी आर आई वी, ग्रीप मतलब कष्ट, एंटोनियम का प्लेजर, डिराइव, डिराइव मतलब ऑब्टेन परिणाम, कोरिलेशन मतलब झगड़ा, बैरिस मतलब विभिन्न, ग्रीवांस मतलब कंप्लीमेंट कंप्लेंट, डिस्प्ले मतलब शो शो, मेमोरेबल मतलब यादगार, रिफंड मतलब लौटाना, रिमबर्स करना, डिटेच मतलब पता लगाना, एडमायर मतलब रिस्पेक्ट, इनोवेटिव मतलब नवीन। तो ये था, चैनल सब्सक्राइब करें और बस कुछ नहीं।